नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 मामले में बरी कर दिया है, जिसमें उन्हें पहले 10 साल की सजा सुनाई गई थी। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त किया। अनंत सिंह 25 अगस्त 2019 से जेल में थे और अब उनकी रिहाई के रास्ते साफ हो गए हैं। जेल से बाहर आने के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 735 मीटर लंबा तिरंगा फहराया गया। ये तिरंगा रियासी में तैनात डिप्टी कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा फहराया गया। मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचाई है। NDA में शामिल होने की अटकलें हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगी और निषाद आरक्षण के लिए संघर्ष करेगी। वे भाजपा से आरक्षण की उम्मीद कर रहे हैं और फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हैं। कल यानी 15 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे या नहीं, ये आपको जानना जरूरी है। बता दें कि 15 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे, इसके बाद 18 अगस्त को रविवार और 19 अगस्त को रक्षाबंधन की वजह से बैंक बंद रहेंगे, इसके बाद 24 अगस्त को चौथे शनिवार और 25 अगस्त को रविवार की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। 15 अगस्त के अवसर पर केंद्र सरकार ने गैलेंटी अवार्ड की घोषणा की है। बिहार के 5 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा, जिसमें स्वर्गीय आशीष कुमार सिंह को मरोड़ोपरांत और अन्य 4 को पुरस्कार मिलेगा। ADG संजय सिंह और DSP राजेश कुमार शर्मा को भी PSM अवार्ड मिलेगा। झारखंड के 7 पुलिसकर्मियों, जिनमें SP दीपक कुमार पांडे और अन्य शामिल हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी ने विश्वास जताया है कि विनेश फोगाट के मेडल के मामले में 16 अगस्त को उनके पक्ष में निर्णय आएगा। उन्होंने कहा कि यह स्थिति नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन उम्मीद है कि निर्णय सकारात्मक होगा। बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां मदरसों में भी PTM यानी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग शुरू हो गई। इस महीने से लागू होने वाली इस व्यवस्था के तहत बिहार मदरसा बोर्ड ने 1906 मदरसों को हर 3 महीने में PTM आयोजित करने का निर्देश दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या वे इतिहास से मिट जाएगा। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में उन्होंने ये बयान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 3 बार पेयजल आपूर्ति की जाएगी, जैसा कि लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग ने निर्देशित किया है। शीत ऋतु में पानी की आपूर्ति सुबह 6 से 9 बजे और अन्य महीनों में सुबह 5 से 7 बजे तक होगी। पानी की आपूर्ति का समय दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 4 से 6 बजे रहेगा। पंप ऑपरेटरों द्वारा सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और वार्ड की 2 महिला सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कराए जाएंगे। गोवा के दाबोलीम हवाई अड्डे से मुंबई के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया के विमान को एक पक्षी से टकराने के कारण उड़ान को रद्द कर दिया गया। इस घटना के समय विमान में 116 यात्री सवार थे। सारण जिले के 286 प्राइवेट स्कूलों को ताला लग सकता है। यदि वे ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपने सभी नामांकित छात्रों का ब्यौरा अपलोड नहीं करते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रधानाचार्यों को 2 दिनों के भीतर डेटा अपलोड शुरू करने और 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और UDIS कोड बंद किया जाएगा। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश को 2026 T20 विश्व कप के क्वालिफायर से पहले केनिया की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 51 वर्षीय गणेश ने भारतीय क्रिकेट में 4 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेले हैं। बिहार में FPO किसान उत्पादक संगठन अब खाद, बीज और कृषि उत्पादों की बिक्री कर सकेंगे, विशेषकर उन पंचायतों में जहां पैक्स नहीं है। सहकारिता विभाग ने 300 FPO का निबंधन कर दिया है और व्यवसाय बढ़ाने के लिए बैंक गारंटी की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। अमृत उद्यान 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। प्रवेश के लिए आप दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं।
बिहार में अपराध बढ़ते देख मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। बीजेपी नेता के मर्डर पर उन्होंने टिप्पणी की, नीतीश कुमार के शासन में अपराधी सजा से बच नहीं सकते। प्रशांत किशोर की टिप्पणियों को व्यापारिक बकवास बताते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि जदयू उनकी बातों से प्रभावित नहीं होगी। वहीं लालू यादव के बयान पर भी उन्होंने बिहार की स्वायत्तता की बात की है। आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है जिसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्पिनर कुलदीप यादव को जबरदस्त फायदा मिला है। भारतीय टीम का वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर दबदबा बरकरार है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर एक पर काबिज है। लालू प्रसाद ने अपने रेल मंत्रीकाल के दौरान सारण के दरियापुर में स्थापित रेल व्हील प्लांट की उपलब्धियों को याद दिलाया और नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने बताया कि इस प्लांट ने अब तक 2 लाख से अधिक रेल पहिए बनाए हैं जिसमें भारतीय रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम हुई है। लालू ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए एनडीए के कार्यकाल में बिहार को केवल घोषणाएं देने का आरोप लगाया और अपने कार्यकाल को बिहार में औद्योगिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वे जल्दबाजी में सरकार में शामिल होने का विचार नहीं कर रहे हैं और इस पर पार्टी के लीडरशिप के निर्णय का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल कार्यकर्ताओं से मिलना और कामों की निरंतरता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगले महीने 9 सितंबर 2024 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 54वीं बैठक होने जा रही है जिसमें जीएसटी दरों में बदलाव और टैक्स स्लैब कम करने पर चर्चा की जाएगी। काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। बांका में साइबर ठगों ने डिप्टी जेलर बनकर एक कैदी के परिजन को फोन कर 10,000 रुपए की मांग की, ये कहकर कि कैदी गंभीर हालत में है और खून की जरूरत है। परिजन ने झांसी में आने के बजाय जेल प्रशासन से संपर्क किया जहां उन्हें कैदी स्वस्थ मिला। जेल प्रशासन अब परिजनों और कैदियों को जागरूक कर रहा है और साइबर ठगों की गतिविधियों के खिलाफ सतर्क है। भारत ने सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बम ने ओडिशा तट पर लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर सटीक निशाना साधा है। यह परीक्षण भारत की सैन्य क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। टीवी का फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार वापस आ गया है। नए सीजन के साथ अमिताभ बच्चन काफी कुछ नया लेकर आए हैं। ऐसे में शो के साथ साथ उनकी फीस को लेकर भी काफी खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वे इस बार मेकर्स एक एपिसोड के लिए करोड़ों में चार्ज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार 15 अगस्त के दिन लाल किले से भाषण देंगे। पीएम मोदी के नाम इस दिन सबसे लंबा भाषण देने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। बता दें कि 15 अगस्त को सुबह 7:30 बजे ध्वजारोहण होगा और 7:33 पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े करप्शन मामले में अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने मामले में सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त तय की है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है जिसमें पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खां और पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक समेत कई अन्य को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता सुहेल राणा ने आरोप लगाया है कि 2015 में उसे आरएबी के जवानों ने अपहरण कर पीटा और प्रताड़ित किया। भारत ने स्वदेशी कामिकेज ड्रोन का सफल निर्माण किया है जिसकी उड़ान क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। ये ड्रोन लंबे समय तक सामान्य क्षेत्र में मंडराते रह सकते हैं और विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष में ऐसे ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। मुंबई पुलिस ने महादेव ऐप स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र पुलिस ने डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित बर्मन, डायरेक्टर गौरव बर्मन सहित 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और मोहम्मद गुलाम का एनकाउंटर करने वाले यूपीएसटीएफ टीम के 6 सदस्यों को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में हुए इस एनकाउंटर में इन पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। आज सेंसेक्स 149.85 अंक या 0.19% की बढ़त के साथ 69,105.88 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 4.20 अंक या 0.02% चढ़कर 24,143.20 अंक पर आ गया। निफ्टी 4.20 अंक या 0.02% चढ़कर 24,143.20 अंक पर आ गया। एक महिला टीचर ने क्लास में बच्चों को मात्राएं समझाने के लिए अनोखे और क्रिएटिव तरीके का इस्तेमाल किया, जिससे गुलजार जैसे प्रसिद्ध गीतकार भी प्रभावित हुए और उन्होंने वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका नाम है कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, नीतीश कुमार सिंह, अर्जुन राम, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, गुना शर्मा। आज का सवाल है, ओलंपिक में सबसे बढ़िया प्रदर्शन आपको किसका लगा? आप हमें कमेंट में इसका जरूर जवाब दें। नमस्कार।